कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा ईस्ट कामिंग के क्रिकेट टीम को. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर विनिंग द ट्रॉफी. एंड ऑल्सो आई कॉन्ग्रेचुलेशन द सेकेंड टीम द वेस्ट यंग. कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द 11 टीम्स एंड ऑल द कैप्टन्स and its managers, everyone of you, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा. मेरा ये जीत का बधाई तो मैं सीधा सीधा श्रेय जो है मैं अपना जो छोटा स्पेशली जो यंग स्टार्स है उसको देना चाहूँगा. उसी का बदौलत आज हम लोग ने ये आज जो भी किया आज हम लोग ने जीता है. स्पेशली या चुपिंग चगे एंड एंजेलोनम मोया दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला था. और बॉलर में बोला जाए तो यह नारा वैसी काफ़ी उस लोग का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा और फॉर थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड स्पेशली ये आज जो फाइनल का मैच पे था तो लास्ट में जो कैमियो खेला करीबन 25 बॉल में 40 रन का चुपिन चगे ने. इसके बाद मोया ने जो कैमियो खेला उसी कारण से एक समय ऐसा था कि बहुत कम था टारगेट लग रहा था बट लेकिन उसी कारण से हम लोग बहुत ही अच्छा डिफेंडेबल टारगेट दे पाया वेस्ट यंग जो कि काफ़ी अच्छा टीम है. इनफैक्ट हम लोग लास्ट उसको लीग मैच में हम लोग एक मैच हारे भी थे उससे बट आज फाइनल पे अपने लड़के स्पेशली अपने जो जूनियर से काफ़ी अच्छा किया इसी कारण से हमने आज ये फोर्थ एडिशन टाटा कोहली ट्रॉफी को जीता. स्पेशली मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा स्पेशली मैं अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड जो भी सेलेक्टर थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के तो उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि एज ए कैप्टन मेरे से बात हुआ था कि कैसा बनना चाहिए टीम. तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था कि ये बार तो जो टीम बनाएंगे तो आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग स्टार को रखने के लिए और एक्सपीरियंस के लिए. तो यहाँ पे हमारे साथ खुद ऐसे गेस्ट प्लेयर जो अखिलेश सहनी खेल रहे हैं और नचल के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं और अपने साथ मेंगुंग चिम्फो है खेल रहे थे. इसके बाद जो एक दो लड़के खेल रहे थे एज ए गेस्ट प्लेयर तो वो तो एज ए सीनियर में वो अपना एक्सपीरियंस बांटते ही था. तो जो जूनियर हैं तो स्पेशली जूनियर को इसलिए लिया गया क्योंकि उसके अंदर क्रिकेट उसी से और ना क्रिकेट भी आगे बढ़ेंगे तो इसलिए स्पेशली डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट भी उसी से चलेगा. तो इसलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का जो भी सेलेक्टर प्रेजेंट सेक्रेटरी है उसका धन्यवाद. सेलेक्शन तो काफ़ी अच्छा था. मैं तो ये बार स्पेशली ये बार का जो भी लड़के आए हैं यहाँ पे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ. मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा करेंगे इतना क्रिकेट सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा क्योंकि इतना उन लोग के पास क्रिकेट चांस ऑलरेडी था. तो स्पेशली हम लोग का जो सेलेक्टर था जो भी चीफ सेलेक्टर वगैरह जो भी वहाँ पे था ये ट्रायल के समय स्पेशली हम लोग का जो ये बार चीफ सेलेक्टर संदीप कुमार ठाकुर को अपॉइंट किया था वो भी काफ़ी सीनियर प्लेयर है हमारे अरुणाचल के जो रणजी वंजी में भी खेल चुके हैं और आई थिंक वो फर्स्ट सीजन के हाइस्ट विकेट टेकर भी थे काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर हैं. तो उसको हमने चीफ सेलेक्टर रखा था ये बार तो काफ़ी उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया. मैं तो वही कहूँगा कि उसी कारण से अच्छा टीम बना. मैं यही कहूँगा जैसे आज ये यहाँ पे आज 5 जन आए उसी तरह से मैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का यंग स्टार से कहना चाहूँगा कि जो जवान बच्चे हैं कि आइए आप भी क्रिकेट खेलिए अपने आप को हेल्थ रखिए स्वस्थ रखिएगा और बाकी एंटी सोशल एलिमेंट से दूर रहेगा आप क्योंकि स्पोर्ट्स में जुड़ेंगे तो ये सब से आप दूर रहेंगे. और हमारे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देते हैं. आज का फाइनल तो हम लोग लास्ट तक खेला है 247 टारगेट था उसको हम सेज कराए लास्ट तक खेला है लेकिन हम लोग का जो हार का असली जो था वो फील्डिंग सेक्शन में थोड़ा हम लोग आज थोड़ा ये लूज हो गया इसकी ये 3-4 केस ड्रॉप हो गया वो जो प्लेयर जो मार दिया इसका वजह से आज थोड़ा हम लोग लूज का सामना करना पड़ा. तो नेक्स्ट टाइम आज ये फील्डिंग सेक्शन और ये थोड़ा फिटनेस ये इसको तैयार करके नेक्स्ट टाइम और ये जोरदार ये से तरीके से आएगा. सबसे पहले आपका मीडिया वाला टीम को बहुत बहुत थैंक यू कवरेज के लिए आप यहाँ आया और अभी तक रहा. वैसे टूर्नामेंट एवरी ईयर हम लोग करता है तो एवरी ईयर सेम चैलेंजेस तो रहता है. जैसे इस बार नया चैलेंजेस बोलने से जैसे हम लोग का लास्ट टाइम तक हम लोग दो वेन्यू यूज़ कर रहा था तो इस बार हम लोग क्या किया कि DPS वाला से
दिल्ली पब्लिक स्कूल ईटानगर वाला से बात करके उनका ग्राउंड भी यूज़ किया, 3 ग्राउंड यूज़ किया, तो उसमें बहुत सारा दिक्कत आया। जैसे कि हम लोग का लास्ट टाइम तक यही पे सब कुछ होता था, तो इस बार नया टीम वहाँ भी सेट करना पड़ा, तो उसमें मैनेजमेंट में बहुत सारा इधर उधर हुआ। लेकिन मेरा टीम, मेरा जितना अभी ऑफिशियल जो सपोर्टिंग स्टाफ लोग है, मेरा वेन्यू मैनेजर और ये आरका का सारा टीम, हम लोग मिल मिल के सारा काम जो भी प्रॉब्लम आया चौकआउट किया और सॉल्व किया, और उन सब का वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुली रहा। और स्पेशली सबसे बड़ा थैंक्स हम तो ये हमारा जैसे मैच ऑफिशियल लोग को, जैसे मैच रेफरी, अंपायर्स, स्कोरर और जितना स्कोर का, स्कोर बोर्ड का, ग्राउंड्समैन, हर एक जो हम लोग का साथ जुड़ा हुआ था ये सारा सफ़र में, उन सब को तहे दिल से हम थैंक यू बोलता है। उन सब का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का वजह से आज ये ग्रैंड सक्सेस आया है। और चांस मिला तो बोल ही देते कि ये आज का जो दोनों टीम, जो लास्ट फाइनल मैच जो हम लोग देखा, आप लोग भी देखा, इतना शानदार मैच बनाया दोनों टीम जो फाइनलिस्ट है, तो वो दोनों टीम को, दोनों टीम को बधाई देगा, और विनर को ज़्यादा कंग्रेचुलेशन कि ये नया चैम्पियन हम लोग को जो देखने मिला। और वेस्ट यंग वाला से को भी बोलेगा कि लास्ट टाइम से ये बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाया, लाके इस बार फाइनल आया, तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट बार और इनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और जितना पार्टिसिपेंट 11 डिस्ट्रिक्ट जो था, उन सबको भी बोलेगा क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुआ, अरुणाचल में अभी शुरू हुआ, आप लोग डीमोरलाइज नहीं होने, अभी आप लोग का सफ़र शुरू हुआ, आप लोग भी एक दिन ये टाइटल को लेने की कोशिश करना है। हर टीम जैसे न्यू डिस्ट्रिक्ट भी है, जैसे कि हम लोग का कामले हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट लोग अभी तक थोड़ा वो है, इन पेन स्टेज में है, विद इन हम लोग का अरुणाचल में बोलने से भी, तो उनको भी हम बोलेगा कि आप लोग ऐसे दिल चौथा नहीं करना है, एकदम ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहना है, और आगे जितना सके इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपना ग्राउंड लेवल में काम करके नेक्स्ट बार और आगे आने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले बात हमारा न्यूज़ को लेते, 365 न्यूज़ को लेते, और हमारा इस कमिंग का टीम को मैं बिग कंक्लूजन, तो लास्ट ये फोर्थ तोदोकोली और फर्स्ट तोदोकोली में भी इस कमिंग टीम ने सेमीफाइनल में पहुँचा, और सेकेंड में भी पहुँचा आ रहा, फोर्थ तोदोकोली में हमने फाइनल में पपम पारे ने हम लोग को फाइनल में आ रहा, तो आज ने वेस्ट यंग का सर में हम लोग ने फाइनल जीता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और स्पेशल ये लेते हमारा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी जो यंग प्लेयर्स हो गया, यंग लड़का लोग को मैं आगे बढ़ाना चाहता है, यंग लड़का लोग को मैं आगे बढ़ाना, उसका बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक लकी नंबर है। तो कल ने सेमीफाइनल मैचेस में मैंने पपम पारे के अगेंस्ट में 33 रन से जीता, तो आज फिर वेस्ट यंग का अगेंस्ट में 33 रन से विन हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट का जो प्लेयर्स लू है, जो यंग लड़का लू जितना भी है, पेरेंट्स लू भी होने से छोटा लड़का को, यंग लड़का लू को जो अंदर 15-16-19 तक का को इंटरेस्ट देने देना है, जितना भी सीनियर लू को गाइडेंस होना है, तो मेरा हिसाब से आज कल लेते भी 15 प्लेयर्स मैंने डिस्ट्रिक्ट से लिया, तो उसमें से यंग लड़का को लिया है, तो उसमें से सीनियर प्लेयर्स जो जैसे कि अभी जो रणजी का जो अरुणाचल का मस्त जो नंबर वन में लोकल में जैसे कमसा यंगफो है, जो नॉन ट्राइबल में नॉन एपीएस में जैसे अखिलेश सहानी है, जो सीनियर प्लेयर जो खेल रहे हैं, तो जैसे जो मिंगडू सिंपू है, उससे लेते जो जितना जो टीम है यंग लड़का लू है, ऐसा लड़का लू ही यहाँ से आगे जाना है, वो हमारा मांग है। जैसा कि अभी आप जानते हैं, इस कमिंग में ज़्यादातर एनकरेजमेंट यंग प्लेयर्स को दिया गया, और वो यंग प्लेयर बहुत ही पहले से टैलेंटेड है, नेचुरल टैलेंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ मिंगल अप होने में इतना कोई इशू नहीं है। तो मेरा मेन टीम के साथ यही रोल था कि उनको अपने साथ ग्रूम करूं थोड़ा थोड़ा, सही टाइम पे उनको सजेस्ट करूं क्या करना है, कैसे करना है, तो उसमें वो बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं, कैसे सजेशन लेना है, सजेशन को कैसे एक्सेप्ट करना है, उस टाइम पे अपने आप को किस तरह से ढालना है बातों को। तो एज ए टीम अगर मैं देखूँ तो इस कमिंग इस बार बहुत ही अच्छा टीम उभर के आई है। रीज़न ये है कि उसमें यंग प्लेयर्स ज़्यादा खेल रहे हैं, और स्पेशली जो लोकल्स प्लेयर हैं बहुत ही अच्छा खेला है उन्होंने इस बार।